जनपद के साथियों, ब्लॉक कार्यकारिणी, जितने भी साथी यहाँ पर अभी आज मौजूद हैं और अन्य जनपदों से आए मेरे आदरणीय सम्मानित गुरुजन वृंद, शिक्षक साथियों, आमरण अनशन पर बैठने का यदि एक आम शिक्षक की समस्या अगर मेरे आमरण अनशन में बैठने से सॉल्व हो जाती है तो इससे बड़ा सौभाग्य मैं अपना नहीं समझता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर बैठा। सबसे बड़ा कारण यह। दूसरा कारण मुझे यहाँ पर बैठने का इसलिए उचित लगा कि प्रांतीय कार्यकारिणी पर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, मंडलीय कार्यकारिणी पर बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जो हमारी कोर कमेटी है उस पर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, उसको ये जिम्मेदारी देख करके हम आगे के कामों को सफल नहीं कर सकते थे, इसलिए। और हमारे जनपद के अध्यक्ष लगातार इस व्यवस्था को देख रहे हैं, वैसे तो हम मिलकर देख रहे थे लेकिन फिर भी वो लगातार इस व्यवस्था को देख रहे हैं जो आपके लिए यहाँ पर की जा रही है। चाय पानी की व्यवस्था हो गई, रहने की व्यवस्था हो गई, क्योंकि 20-25 साथी अंदर भी रह रहे हैं, तो उन सब की व्यवस्था, ये टेंट वेंट की व्यवस्था, ये सब देखनी पड़ रही है। तो हमारे अध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम, हमारी जो देहरादून की है, वो लगी हुई है इसमें। तो मैं फ्री था तो मुझे लगा कि अपने शिक्षकों के लिए, अपने आम शिक्षक के हक के लिए विगत 5 से 10 सालों से किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का आंदोलन नहीं हुआ, आप लोगों ने विश्वास जताया और आपके विश्वास के आधार पर हम आज यहाँ पर हैं, केवल आप लोगों के विश्वास के आधार पर। बस इसीलिए एक आम शिक्षक का जो दर्द है, मेरे आमरण अनशन से अगर उसका समाधान हो जाता है तो मुझे इसमें बैठने में कोई कोताही नहीं बरतूंगा और अगले जितने भी दिन मुझे बैठना पड़ेगा मैं बैठूंगा। इसके लिए ऐसा नहीं है कि मैंने केवल अपनी मर्जी से ये किया, मैंने अपने घर परिवार में भी पूछा है कि मैं ऐसा कदम उठाने जा रहा हूँ। हालांकि वहाँ से बिल्कुल मनाही मुझे की गई कि 1-2 दिन आप कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे, यदि मुझे कितना भी लंबा बैठना पड़े, जब तक मैं मेरे अंदर शक्ति रहेगी मैं अपने संगठन को दूंगा, क्योंकि संगठन मेरी माँ है और एक माँ मेरी घर में है, एक माँ मेरी ये संगठन है जिसने मुझे ये नाम दिया, जिसने मुझे ये पद दिया। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ, मैंने कारण बता दिया मैं इसलिए, और अपने शब्दों के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कोई अन्याय की लड़ाई नहीं है। राजकीय शिक्षक संगठन ने जो निर्णय लिया है वो सर्वोत्तम निर्णय लिया है, हर शिक्षक की भलाई उस निर्णय के अंदर है, इसलिए मैं इस लड़ाई में साथ हूँ आपके। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं प्रांतीय कार्यकारिणी से कहना चाहूँगा कि आप जो निर्णय लेंगे हम उस निर्णय के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सम्मानित साथियों, संगठित साथियों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, प्रांत कार्यकारिणी आपसे विनम्र निवेदन करती है कि हमारे श्री राम जी वार्ता में जा रखे हैं, निदेशालय में वार्ता हो रही है, आप ये मंच पे पहुँचने का कष्ट करेंगे, अपना आसन ग्रहण करेंगे। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ संगठित साथियों, आप दुकान में अगल बगल अगर खड़े हैं, प्रांत कार्यकारिणी आपसे निवेदन करती है, साथियों हम आपका सम्मान